हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू थेफैक्टफंडा। तो यार आज हम बात करने वाले हैं टेक्टोनिक प्लेट के बारे में, जिस पर आप और हम रहते हैं, जिससे सारे कॉन्टिनेंट बने हैं। जब ये सारे देश और सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे अल्फ्रेड वेगनर द्वारा एनिजी नाम दिया गया, और इसी के साथ चारों ओर एक महासागर था जिसको नाम दिया गया था बैठालासा। आज हम जानते हैं कि यह टेक्टोनिक प्लेट खिसकती है, जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपत्तियां आती हैं। पर क्या आप जानते हो कि वो प्लेट्स क्यों खिसकती है? ऐसा तो क्या होता है जिससे प्लेट खिसकने लगती है? तो आज के वीडियो में हम इसी फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाला है, सो लेट्स गो। आपने कभी गूगल पढ़ा होगा, कभी ना कभी अल्फ्रेड वेगनर के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने पर थ्योरी दी है। तो आज हम उन्हीं के सिद्धांतों पर समझने वाले हैं कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट क्यों खिसकती है। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के वक्त ये सारी प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिसको नाम दिया गया था पेंजिया। और फिर उन प्लेटों के खिसकने की वजह से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट्स के दो भाग हुए, जिसके उत्तर के हिस्से को लारेशिया और दक्षिण के हिस्से को गोंडवानलैंड कहा जाने लगा। और इन दोनों के रिवाइड होने से एक महासागर का निर्माण हुआ, जिसका नाम दिया गया डेथिस सागर। पेंजिया में से अलग हुए उत्तर महाद्वीप में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे खंडों का निर्माण हुआ, और दक्षिण महाद्वीप में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे खंडों का निर्माण हुआ। हमारा देश भारत भले ही भौगोलिक तरीके से एशिया का भाग, लेकिन वास्तव में उस वक्त भारत एक दक्षिणी महाद्वीप मतलब कि गोंडवाला लैंड का ही एक भाग था, और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। फिर धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट के सरकने से प्लेटें भी अलग अलग होती गई, और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी, और प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पर टकराव हुआ। भूगोल के अनुसार जब दो प्लेट का टकराव होता तो भारी प्लेट नीचे की तरफ खिसक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर आ जाती है। इस वक्त ऐसा ही कुछ हुआ और आज के हिमालय का निर्माण, और आज भी भारत की यही प्लेट हिमालय की ओर दब रही है, और हिमालय इसके कारण दिन भर ऊपर उठता रहता है। इसके कारण माउंट एवरेस्ट और हिमालय के पर्वत की ऊंचाई साल भर बढ़ती रहती है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर प्लेट क्यों खिसकती है? आज हम जानते हैं, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी एक आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे उसमें कूलिंग प्रोसेस होने लगी और वह ठंडी होने लगी, जिससे फिर निर्माण हुआ स्थल मंडल का। ये ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह गर्म चाय के कप में ऊपर से ठंडक और नीचे से गर्मी पड़ने के कारण ऊपर मलाई जम जाती है, बिल्कुल इसी तरह पृथ्वी का ऊपरी वातावरण ठंडा होने लगा, जिससे उसे ऊपर से ठंडक मिलने लगी और नीचे से गर्मी। इसी कारण ही पृथ्वी पर ठोस पदार्थ का निर्माण हुआ, और फिर सालों बीत गए और हिमवर्षा का दौर आया। जो आज हम जानते हैं कि पृथ्वी पर एक दौर था जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। उस दौर के दौरान स्थलखंड पर इस कदर प्रेशर बनने लगा कि ऊपर से जमा देने वाली ठंड और नीचे से बेहद गर्मी, जिसके दबाव के कारण ऊपरी प्लेट में क्रैक आने लगी और वह दो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गए, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को लायरेंशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाला लैंड नाम दिया गया, गोंडवाला लैंड जिसमें हमारा भारत था। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ जिससे हमारा भारत अफ्रीका से अलग होकर एशिया की ओर बढ़ने लगा? इसके पीछे कोई न कोई तर्क तो जरूर होगा। तो इसका कारण ये बताया जाता है कि पृथ्वी के अंदर का भाग आज भी गर्म है, और इस गर्मी के कारण अंदर से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो प्रेशर जो पृथ्वी के स्थल मंडल के ऊपर लग रहा है, ये कुछ इस तरह लगता है कि जैसे हम कोई सूप उबालते हैं, तब नीचे से गर्मी के कारण सूप गोल गोल घूमने लगता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी ऐसा ही दबाव लग रहा है। और यह दबाव तीन प्रकार से लगता है, ट्रांसफॉर्म प्रेशर, कन्वर्जन प्रेशर और डाइवर्जन प्रेशर। इन प्रेशर के कारण सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग होने लगे, और आज भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। जैसे कि हमारा भारत अफ्रीका से अलग होके एशिया में आया, और उसके टकराव के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण, और आज भी भारत धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। भारत जिस तरह से गति कर रहा है उसे कहते हैं कन्वर्जेंट गति, जिससे दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है और पर्वत का निर्माण करती है। हालांकि ये सब होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, और दूसरी तरफ देखो तो कई प्लेट ऐसी भी है जो डाइवर्जेंट गति करती है, जिससे दो प्लेट एक दूसरे से अलग होती है, और इनके कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होता है और अंदर का मैग्मा बाहर आकर नई प्लेट की रचना करता है। ज्वालामुखी की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब इसकी तीसरी गति के बारे में जान लेते हैं, ट्रांसफॉर्म गति। इस गति में दोनों प्लेटें एक दूसरे से घिसकती हुई जाती हैं, जिसमें ज्वालामुखी का खतरा तो कम होता है पर भूकंप जरूर आता है। जैसे कि हम जापान को देख सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्म गति कर रहा है, इसी कारण वहां पर अक्सर भूकंप आता रहता है। हालांकि ये सब होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपत्तियों का कारण भी यही प्लेट है। तो आई होप को आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा और काफी एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक के बटन को दबाकर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।